हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल विशाल। सो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी मोस्ट अवेटेड ट्रिप, जो कि है गुजरात की कोस्टल एरिया की पूरी ट्रिप। सो हम लोग यहां से जा रहे हैं गांधीनगर से, पहले जाएंगे हम दीव, दीव से जाएंगे सोमनाथ, सोमनाथ से आगे जाएंगे माधवपुर बीच, माधवपुर से आगे जाएंगे हम पोरबंदर होके द्वारका, और द्वारका में हम शिवराजपुर बीच पर जाएंगे। अब देखते हैं, फर्स्ट टाइम हम ओवरलैंडिंग काइंड ऑफ ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पीछे हमने सियाज में सीट वीट सब निकाल दी है और यहीं पे हमने बेड वगैरह सब सेट कर दिया है, और सारा मतलब पूरी रात हम इसी में सोएंगे और कैंपिंग टाइप करेंगे। सो देखते हैं कितने दिन तक हम कैंपिंग कर पाते हैं, अगर लगा तो होटल में स्टे ले लेंगे, बट ट्राई ज़रूर करेंगे कि हम लोग कैंपिंग करें। और हम लोग ऐसे कोई प्रोफेशनल ओवरलैंडर्स नहीं है, बट ट्राई करेंगे कि हमने जा रहे यूट्यूब में वीडियोस देखे सबके, सो हम लोगों को लगा कि भाई हम लोग को भी एक बार ट्राई करनी चाहिए ओवरलैंडिंग टाइप ऑफ। सो हमने सियाज को कैरावैन बना दी है, और कैंपर वैन बोल सकते हैं, और हम लोग ने ट्रिप पे जाने का सोचा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये ट्रिप, और आगे वीडियो में आपको हम बताएंगे हम क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। वैसे हमने सारी कैंपिंग की चीज़ें तो ले ली है, सो एक एक करके हम आपको वो सारी चीज़ें भी बताएंगे, हमने कहाँ से बाय आउट किया और क्या कैसे हमने किया। सो अभी हम ये गांधीनगर से अहमदाबाद के रास्ते में है, ये हमारा तो अभी से ही सोने लग गई है, हमारा नींद आ रही है क्या बेटा? तो आ रही है नहीं आ रही है तो और मजा करेंगे ना हम लोग तो वहां जाके है हमारा। और ये सामने आप देख रहे हैं अहमदाबाद की मेट्रो ट्रेन, क्या बात है। सामने हाईवे के रास्ते पर ट्रैफिक जैम था, तो हमें गूगल देवता ने बताया कि दूसरा रास्ता ले लो बगोदरा के पास। तो हम लोग अभी GINDC होके आ रहा है, यहाँ सामने तो फुल ट्रैफिक जैम था। सो अभी ये इंटीरियर रोड हमने पकड़ा है, हमने 20 मिनट बचा ली ऑलमोस्ट। और ये यहाँ बगोदरा बावड़ा के बीच में जो फेमस है यहाँ की गाय, तो अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं तो यहाँ पर गाय और भेड़ बकरियों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रात को कभी भी कहीं पे भी आपको मिल सकती है। सो अभी हम रुक गए हैं खाना वाना खाने के लिए। अभी हम खाना तो घर से बना के लेके, मतलब हम लोग गुजराती है तो थेपला तो होगा ही होगा। सो आज दिन में हम खाएंगे थेपला और दही। सो हमने कैंपिंग लोकेशन तो क्या मतलब खाने के लिए लोकेशन ढूंढी है। सो यहाँ पे एक है बस स्टैंड, धनाड़ा करके बस स्टैंड है, वहाँ पर हम अभी रुकेंगे और अपना खाना वाना खाएंगे। और हमारे साथ आए हैं हमारे मम्मी पापा भी, सो वो लोग की गाड़ी वो रही, और ये है हमारी गाड़ी। हमारा क्यों लागे थेपलो मस्त लागे थे ना। એમાં અથાણું આપને આમાં અથાણું કાઢી દો ડીશમાં મારું तो अभी हम यहाँ खड़े थे तो एक बंदा आया बाइक पर और बोलता है यहाँ पे क्यों खड़े हो। मैंने बोला भाई खाना वाना खाने के लिए खड़े, तो बोलता है कि भाई हमारे होटल पे आके खाओ ना, यहाँ क्यों खा रहे हो यार। मैंने बोला भाई हम घर से खाना बना के लेके आए, तेरी होटल पे क्यों खाएंगे। पिया हुआ था शायद, वो बचकानी बातें कर रहा था। चलो खाना वाना खा लिया, हाथ बात धोने आपको, चलो धो लो। सो इस हिसाब से 10-10 लीटर की बोतल है, मतलब पाउच जैसी आती है प्लास्टिक की, और उसमें नल लगे हुए रहते हैं। पानी पानी पीवू हां बेटा, खाली वासन घसवानू पानी छे ने धोवानू पानी छे आ बधुं।
सो ये रहा हमारा सारा सामान, खाने पीने का और नहाने धोने का भी सामान है हमारे पास। तो चलिए खाना वाना ख़त्म करके अब चलते हैं सीधे दीव की तरफ, और देखते हैं अगर कोई बीच में रास्ते में अच्छा कोई लोकेशन मिल गया तो वहाँ पे रुक जाएंगे हम लोग। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, लाइक ओवरलैंडिंग और नाइट स्टे इन कार। लेट्स सी हमारा कितना सक्सेसफुल रहता है और हम लोग कैसा फील करते हैं, वो सब हम सारे मोमेंट्स आप लोग के साथ शेयर करेंगे फॉर श्योर। बस आप लोग अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, वर्चुअल विशाल। खतरनाक रोड बन गया यहाँ पर यार, पहले सिंगल लेन वाला रोड था और यहाँ पे सिक्स लेन रोड, क्या बात है। अच्छा रोड बोलते ही टोल टैक्स आ गया, 75 रुपीस की पर्ची कटेगी। पर्ची तो क्या मतलब, फास्टैग है तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, बट इस रूट का सबसे पहला टोल टैक्स आया है। हाँ, क्योंकि रोड भी अभी अच्छा अच्छा शुरू हुआ है, बाकी तो वो सिंगल लेन में ही आ रहे थे। सो ये जो सामने आपको दिख रहे वो है नमक के खेत, यहाँ पर नमक की खेती होती है, समुंदर का पानी यहाँ लाया जाता है और यहाँ पर नमक बनाते हैं, ये सामने देख सकते हैं आप। और यहाँ मेरे राइट साइड में भी आप नमक का पहाड़ देखिए, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। सो हम लोग अभी भावनगर से आगे निकल गए हैं और ये दोनों माँ बेटी देखिए सो रहे हैं पीछे। बढ़िया ठाट है भाई माँ बेटी के तो। रुक सकते। ओके, सो फाइनल ही फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं दीव। तो फिर आपको नहीं बेल बटन दबाया तो फिर बेल आइकन दबा दो। ठीक है, तो हम पहुंच गए हैं दीव में और हमने पार्किंग एरिया में अभी हमारी गाड़ियां पार्क कर दी है और अभी वहीं पर हम लोग थोड़ा बहुत खाना वाना बनाएंगे और वहीं खाएंगे, और सोच रहे हैं कि यहीं पे हम लोग नाइट स्टे भी करें पार्किंग एरिया में ही, एज ये थोड़ा सिक्योर्ड है बाकी एरिया के हिसाब से। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं, सामने होटल्स भी है और यहाँ पर सामने हमें सी व्यू भी मिल रहा है, ये सामने है दरिया। तो अभी यहीं पे हम कैंपिंग करेंगे। सो अभी मम्मी पापा के लिए तो हमने एक रूम कर लिया है दीव में और हम लोग यहाँ पार्किंग में ही सोने वाले हैं। यहाँ में दीव में क्या है कि भाई सब पीपुआ के पार्किंग के आसपास ही घूमते रहते हैं, तो थोड़ा वो अनकंफर्टेबल लगेगा आपको, बट ठीक है, अभी सब एंजॉयमेंट कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, बट सेफ है क्योंकि आसपास सारी होटल्स वगैरह है और पुलिस स्टेशन भी पास में ही है, सो नो वरीज। ये यहाँ की मेन लेन है दीव की, ये फोर्ट तक रास्ता जाता है, दीव फोर्ट तक, और यहीं पे है सामने पार्किंग, ये सारी गाड़ियाँ पड़ी है। सो हमने बस यहीं पे पार्क कर दी है अपनी कार, ये सारी बोट्स वगैरह पड़ी है और वहाँ पे एक जहाज़ भी है। और ये देखिए ईशाली ने तो पूरा सेटअप कर दिया है कुकिंग वगैरह का, बहुत ही अच्छा सेटअप है। ये देखिए ये छोटा सा गैस और ये सारा हमारा किचन का सामान और ये आ गई अमायरा। चलिए फटाफट खाना बनाना शुरू करते हैं। क्या बन रहा है ये? गर्मा गर्म वगैरह भात। ये आया जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्या बात है, नीचे करो। हाँ, आपका फेस दिखे ऐसा करो, यहाँ पे डालो हमारा। अभी क्या बनेगा हमारा, क्या बात। देखो मेन रोड पर पार्किंग के अंदर कर रहे हैं हम कैंपिंग।
पापा थक गए हैं। 350-400 किलोमीटर था गांधीनगर से और रोड बीच में बहुत ही घटिया था तो थक गए हम पूरी तरह। बाकी हम लोग ऑलमोस्ट 4-5 बजे आ जाने वाले थे ये सोच के हम थोड़ा और लेट भी हो गए थे हम, बट ठीक है अभी पहला दिन था तो कोई बात नहीं। तो फिर देखिए अब इसके अंदर चावल डल गए। आप उल्टे क्यों खड़े तो आपका मुंह तो दिखता नहीं है अभी। और ये जा रहे हैं हरे हरे मटर। हाँ पापा हूँ मना लीजिए वाला अभी दो। तो अभी आपको देखने हो तो बन जाए तभी देखते हैं। अभी आपको ये बन जाएंगे अभी चावल हमारे चावल बन जाएंगे तो फिर आप सब क्या बोल रहे थे आप? बीज से ज्यादा कुछ नहीं होता है, बीज बोल रहे हम, बीज बीच में हम इन सब के साथ बोल रहे हैं। ये पीपी पीपी कर रहे हैं साथ साथ में। आपको कुछ लग रहा हो ठंडी बहुत ही इधर? देखिए ये हम कहीं पे कचरा नहीं फैला रहे, ये कचरे की थैली है उसके अंदर ही हम सारा कचरा डाल रहे हैं। कचरे की थैली बता दो जरा। यस ये रहा, अभी ये बस ठंडा हो गया है तो बस अभी इसको खोलेंगे और खाएंगे चावल। तो ये बन गए हैं हमारे गर्मा गर्म चावल, अब हम इसे खाएंगे। ये देखिए ये सामने होटल है और हम यहाँ पर खुद बना के खा रहे हैं। हम खुद बना के खा रहे हैं पर दाल चावल में मैंने क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही टेस्टी लग तो रहे मुझे और हालांकि खाने में भी टेस्टी ही लगेंगे, क्या बात है। सो चलिए मम्मी पापा ने तो खाना शुरू कर दिया है, वो गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं, ठंडी बहुत है यहाँ पे। और अमायरा ने भी अपना भोजन शुरू कर दिया, हमारा भोजन शुरू कर दिया आपने, वेरी गुड। और यहाँ ईशाली हमारे लिए चावल निकाल रही है। मम्मा तुम बोलो। बहुत अच्छे बनाए ईशाली ने और अमायरा की हेल्प बहुत अच्छी थी मुझे और बहुत हेल्पफुल है इसीलिए मैं बना पाई हूँ, बहुत हेल्प करती है इसलिए मैं बना पाई हूँ ना। और मैं है ना इसलिए बना पाई हूँ क्योंकि मेरी मम्मा ने ही पुलाव बनाया था। शुरू करो चलो खाना। यम्मी। अरे गुंडे। ये मजा ही कुछ और है। तुम गुंडे। तुम गुंडे हो गुंडी। तुम फर्स्ट टाइम और पहले दिन हम सक्सेसफुल रहे। वेरी गुड। हमारे टास्क के साथ। आपका बहुत मजा आया। अब सिर्फ सोना बाकी है, उसका रिव्यू हम सुबह देंगे आपको। नहीं सोने में भी क्या कर रहे हैं हम बताएंगे आपको, लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी है करेंगे हम लोग वो आपको बताते हैं। तो चलिए अभी पहले खाना फिनिश करते हैं। सो अभी तक YouTube पे मैंने किसी का कैंपिंग का वीडियो दीव के अंदर तो देखा नहीं है, मतलब इस हिसाब से यहाँ पार्किंग में खाना वाना बना के खाते हुए। सो शायद ये हमारा पहला वीडियो हो YouTube पर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए जब तक ये लोग खा रहे हैं तब तक थोड़ा बहुत ये समेट लेता हूँ मैं। और ये हो रही है हमारी साफ़ सफाई, अभी हम पानी से भी इसे धोएंगे, पहले हम टिश्यू पेपर से उसे साफ़ करके। ये रही कचरे की थैली। हाँ बेटा। और ये अमायरा हमारी सो रही है, ये रही हमारी डिक्की, अमायरा डिक्की के अंदर सो रही है। हमारे डिक्की के अंदर सो रही हो क्या, क्या बात है। ये हम बर्तन साफ कर रहे हैं और हम क्या ईशाली साफ कर रही है बर्तन, तो हम तो बस पानी दे रहे हैं, क्या करें पकड़े। सो फ्रेंड्स अभी हमने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं और हमने बेड भी सेटअप कर दिया है। सो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे हमने अपना बेड सेटअप किया है। तो आगे हमने अपना सारा जो सामान था वो सेट कर दिया है, सामान आगे रख दिया है यहाँ पे आगे की 2 सीट पर और आगे हमने चादर लगा दी है जो फ्रंट साइड का
मिरर है वहाँ पर, और यहाँ पर साइड में हमने ऐसी नेट वाली जालियाँ जो आती है वो लगा दी है, थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए, और थोड़ा वेंटिलेशन के लिए खुला रख दिया वहाँ पे ऊपर। सो अंदर से ही ऐसा है, तो कहीं बाहर से किसी को भी दिखेगा नहीं। और यहाँ पीछे की साइड तो ऑलरेडी सियाज में ये लोग देते हैं। और ये अंदर अमायरा का बेड सेटअप है हमारा और अमायरा का और ईशाली का भी। लाइट करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। ये अमायरा बहुत मस्ती करती है यार। अमायरा तू क्यों इतनी मस्ती करती रहती है, सब नीचे गिरा दिया तूने। तो ये रहा हम तीनों का बेड। सो ये ऑलमोस्ट 6 फुट मेरी हाइट है, तो ये सियाज की डिक्की ऑलमोस्ट 6 फुट है। सो ये पूरी लेंथ है ना 6 फुट की है सियाज में। सो पूरी तरह से मैं आराम से सो सकता हूँ यहाँ पे। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम सोते हैं और देखते हैं। पहले दिन है और पहली बार है इस तरह से कि हम कार के अंदर सोएंगे। सो लेट्स सी कितने बजे नींद आती है। अभी ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे हैं, तो देखते हैं कब नींद आती है और कब हमारी नींद उड़ती है। खुलती तो बोलेंगे पर उड़ती है यहाँ के शोर शराबे की वजह से। सो चलिए फ्रेंड, सोते हैं हम, तो मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट।